देश की गिरती विकास दर और बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों को मोदी सरकार बड़ा झटका दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही जीएसटी स्लैब में बदलाव करने वाली है। जीएसटी काउंसिल जीएसटी में मिलने वाले राजस्व को बढ़ाने के लिए रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी दरें बढ़ा सकते हैं। बताया जा रहा है कि जो वस्तुएं 5% वाले स्लैब में आती है उन पर 6% जीएसटी लगाने पर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि यदि जीएसटी स्लैब में ये बदलाव किया जाता है तो इससे सरकार को करीब 1,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। जीएसटी स्लैब के तहत 4 स्लैब हैं। इनमें अलग अलग वस्तुओं पर लगने वाले 5, 12, 18 और 28% टैक्स स्लैब शामिल है। 5% जीएसटी मूल रूप से जरूरी सामानों जैसे खाने का सामान, जूते और कपड़ों पर वसूल किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिन सामानों पर 1% जीएसटी लगाया जाता है उनसे पूरे टैक्स का 5% हिस्सा ही वसूला जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीएसटी कलेक्शन का प्रति माह 1.18 करोड़ रुपए का कलेक्शन है। वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार काउंसिल के अध्यक्ष और जीएसटी पैनल में शामिल अन्य राज्यों के वित्त मंत्री 18 दिसंबर को एक बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में जीएसटी से होने वाली कमाई को बढ़ाने के अलावा टैक्स स्लैब में ज़रूरी सुधारों से संबंधित अहम फैसले लिए जा सकते हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.